हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, वो होने वाला है जीरो बेस्ड बजटिंग। तो इसका मतलब क्या होता है और उसके क्या क्या फायदे और नुकसान है, मैं ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए जेबीबी के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को पूरा देखना ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। उसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँ कि अगर आपको इन सारे वीडियोस को, जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ एमसीओ 5 के प्लेलिस्ट में, अगर आपको उन प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है तो किस तरीके से आप एक्सेस करते हैं। सिंपली आपको कॉमर्सी पाठशाला की वेबसाइट पे विजिट करना है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिखेगा इग्नू एमकॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। इस नाम के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको जो है इस नाम के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास जो है पूरी की पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, जहां पे आपको आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 तक की वीडियोस और एमसीओ 1 से लेकर के एमसीओ 7 तक की वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी, जिनको अगर आप देखेंगे, आप इनको अगर अच्छे तरीके से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमसीओ 5 से रिलेटेड। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँ कि आप अगर हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे भी आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको सेकंड ईयर में बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी कि आपको जो है नोट्स जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे बहुत ही कम प्राइस लेकर के। साथ ही साथ असाइनमेंट आपको फ्री में मिल जाएगा, है ना, और व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है कॉमर्सी पाठशाला की तरफ से आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो इस कोर्स में करना चाहते हैं। आई होप कि आप लोग सेकंड ईयर में हैं ऑलरेडी, तो आपने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, तो आपको ये प्रोग्राम लेने की जरूरत नहीं है, पर जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं फॉर बेटर प्रिपरेशन, है ना। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो कि है जीरो बेस्ड बजटिंग। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब ये जो बजटिंग होगी इसमें कोई अमाउंट होगा ही नहीं, इसका जो बेस है वो बिल्कुल भी जीरो है, मतलब आपको जीरो से स्क्रैच करना है। जब भी कोई नया बजट बनता है किसी चीज को लेकर के, तो जब 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 सबसे पहली बार उस चीज के ऊपर काम हो रहा होता है, तो उस टाइम पे देखना हमें आइडिया नहीं होता कि उसमें कितना खर्चा होगा। अगर आप कोई काम पहली बार कर रहे हो तो ये पहली बार की जो बात की जा रही है वो एक तरीके से जीरो बजटिंग की ही बात की जा रही है, जहां पे हर चीज जो है पहली बार होगी, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टेक्निक ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग सजेस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट ओनली मेक डिसीजंस अबाउट द प्रपोज्ड न्यू प्रोग्राम्स बट इट शुड ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम रिव्यू द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, है ना। यहाँ पे क्या बात बोलेगी, यहाँ पे ये बात बोलेगी कि जीरो बेस्ड बजटिंग का जो टेक्निक होता है वो हमें ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको सिर्फ डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जो भी नए प्रोग्राम्स है उस चीज को लेकर के, बल्कि उनको टाइम टू टाइम जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी उनको ध्यान देना चाहिए, उस चीज के ऊपर भी उनको एक तरीके से रिव्यू उस चीज को करना चाहिए। Such review should be particularly done. इस लाइन को देखो, such review should be particularly done of such responsibility centers where there is a relatively high promotion, high proportion of discretionary cost, है ना? यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि ऐसे जगहों पे जहाँ पे बहुत ज्यादा discretionary cost आ रहा है, मतलब जो आप बजट कर रहे हो उसका जो है प्राइसेस और भी ज्यादा आपको वहां पे खर्च पड़ रहा है। सपोज आपने बजट 100 रुपए का करा था, आपको 200 रुपए खर्चे हो गए, है ना, तो आपके कॉस्ट में एक तरह का डिस्क्रीशन है। तो ऐसा जगहों पे खासकर आपको रिव्यू करनी चाहिए कि आपका जो है इस तरह की कंडीशन जो है क्यों बार बार निकल करके आ रही है, राइट। सो जीरो बेस्ड बजटिंग, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होता है। जीरो बेस्ड बजटिंग एज अ टर्म सजेस्ट एग्जामिन अ प्रोग्राम और फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम स्क्रैच। ये जीरो बेस्ड बजटिंग जो होती है ये एक तरीके से जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसको रिव्यू करने का एक तरीका है, है ना, जहां पे आप पुराने जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है उसको आप रिव्यू कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्ट्स दैट यू हैव। द रिव्यूअर प्रोसीड्स ऑन द अजम्पशन दैट नथिंग इज टू बी अलाउड। जो रिव्यूअर होता है वो शुरू से ये सोच रहा होता है कि कुछ भी अलाउड नहीं है। जैसे बजटिंग में क्या होता है कि मैं अलोकेट कर देता हूँ कि इतने पैसे वहां खर्च होंगे, इतने पैसे वहां खर्च होंगे, लेकिन जब आप इसको रिव्यू कर रहे हो, जब आप जीरो बेस्ड बजटिंग कर रहे हो, तब आप ये सोच के चल रहे हो कि यहाँ पे किसी भी चीज की अनुमति नहीं है, कुछ भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है, है ना। द मैनेजर प्रपोजिंग द एक्टिविटी, द मैनेजर प्रपोजिंग द एक्टिविटी हैज देयरफॉर टू प्रूव दैट एक्टिविटी इज एसेंशियल and the various amounts asked for are reasonable taking into account the volume of activity. यहाँ पे जो मैनेजर जो काम को करवा रहा होता है, एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम होते हैं उसको उसको एक तरीके से ये काम दिया जाता है कि आप मुझे बताओ
कि आपको मैंने सबसे पहले बात तो मैंने जीरो को बेस मान के पूरा जो है काम स्टार्ट करा। अब आपको मुझे ये बताना है कि जो भी खर्चे आपने किए हैं उसका एक रीजनेबल आपको रीजन मुझे देना होगा ताकि मैं चीजों को वैल्यू एक तरीके से चेक कर पाऊँ। जो भी वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको पैसों का इस्तेमाल करना होता है, बजटिंग करनी होती है। और इस चीज को करवाने के लिए जो भी हमारा रिव्यूअर है जो रिव्यू कर रहा है उस चीज को, उस एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स को, वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल करता है मैनेजर को, है ना, कि जो भी एक्टिविटी दी गई है वो एसेंशियल है और कोई रीजनेबल चीज होने के कारण जो है उसमें अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया गया है। सो नथिंग इज अलाउड सिंपली बिकॉज इट वॉज बींग डन। तो कोई भी चीज इसलिए अलाउड नहीं की जा रही है कि ये ऑलरेडी हो चुका है और या फिर इसको पहले समय में किया जा चुका है। दस इट मीन्स राइटिंग ऑन अ क्लीन स्लेट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो बजटिंग क्या होती है, जो प्रीवियस जो आपके खर्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बजटिंग करते हो, लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में आप ये मान के चल रहे हो कि कुछ भी करना अलाउड ही नहीं है। कुछ भी जब आप करोगे तो उसके लिए आपको पैसे जो है मांगने पड़ेंगे, आपको अपना जो है एक एस्टिमेट तैयार करना होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है बजट तैयार होगा, है ना। तो आप एक तरीके से पूरी की पूरी स्लेट को मिटा दे रहे हो। आपके जो भी पहले के खर्चे हो आप उसको मानने को ही तैयार नहीं हो कि ये पहले के खर्चे हैं, आप सबको एकदम से हटा दे रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि अब जो है हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम रिव्यू करेंगे कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो प्रीवियस प्रोग्राम है वो चल रहा है। यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है पीटर ए फायर के द्वारा। उन्होंने कहा था कि जीरो बेस्ड बजटिंग एज अ ऑपरेटिंग प्लान एंड बजटिंग प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्स ईच मैनेजर टू जस्टिफाई हिज एंटायर बजट रिक्वेस्ट इन डिटेल फ्रॉम स्क्रैच। वही बात मैं अभी कह रहा हूँ, वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जीरो बेस्ड बजटिंग जो होती है वो एक तरह की ऑपरेटिंग प्लानिंग होती है जहाँ पे हर मैनेजर को ये जस्टिफाई करना होता है कि जितने भी पैसे उन्होंने खर्च किए हैं, जितने भी पैसों का उन्होंने बजट बनाया है या रिक्वेस्ट किया है कि हमें इतना का बजट चाहिए, आपको स्क्रैच से मतलब जीरो से आपको ये बताना होगा, आपको जस्टिफाई करना होगा कि जो भी आपको पैसे चाहिए वो रीजनेबल चीजों के लिए चाहिए, है ना। ईच मैनेजर स्टेट्स व्हाई ही शुड स्पेंड एनी मनी एट ऑल। हर एक मैनेजर को ये बताना होता है कि क्यों उनको खर्चे करने की जरूरत है, क्यों उनको एक रुपए भी इस जगह पे खर्च करने की जरूरत है, उनको इस चीज को जस्टिफाई करना होता है जीरो बेस्ड बजटिंग के अंतर्गत, है ना। दिस अप्रोच रिक्वायर्स दैट ऑल एक्टिविटीज बी आइडेंटिफाइड एज डिसीजन पैकेजेस व्हिच वुड बी इवैल्यूएटेड बाय सिस्टमैटिक एनालिसिस रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, है ना। तो यहाँ पे ये जो अप्रोच है जीरो बेस्ड बजटिंग की, यहाँ पे एक तरीके से ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि जो डिसीजन पैकेजेस होता है वो किस तरीके से काम कर रहा है और उसका इवैल्यूएशन होता है और उसको सिस्टमैटिकली रैंक किया जाता है वन बाई वन, वन टू थ्री करके, कि जैसे ही आपकी इंपॉर्टेंस है आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसको रैंक करते हो, है ना। तो यहाँ पे पीटर ए फायर के द्वारा ये बात जो है बोली गई थी। अब नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ छोटी सी और जानकारी है, मैं इसको पूरा नहीं कराऊंगा, है ना, मैं इसको गिवन तक करा देता हूँ, बाकी आप पढ़ सकते हो, ज्यादा जरूरी नहीं है। जो मुझे आपको समझाना था वो आप आई होप समझ गए हो। अब हम करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बट उसके पहले इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ, फॉलो अप कर लेता हूँ। Thus, a cost benefit analysis is done in respect of every function or process, है ना? तो हर एक function या फिर process के लिए एक cost benefit analysis किया जाता है जब भी हम review करते हैं किसी existing plan को zero based budgeting के तहत। It has to be justified while framing budgets, है ना? और इसको justify करना आपके लिए important हो जाता है जब आप budgets को तैयार करते हो। The assumption underlying zero based budgeting is that budget for previous period was zero. आप ये सोच रहे हो कि जो प्रीवियस पीरियड का जो आपका बजट था वो जीरो है। Therefore, whatever costs are likely to be incurred or spending programs are chalked out, justification or the full amount is to be given, है ना? तो जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं, जो भी नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपको बतानी होंगी, जो भी आपके इनकर कर रहे हो, जो भी आप, वो सारी की सारी चीजें जो है जीरो बेस्ड बजटिंग के तहत आपको एक तरीके से बतानी होंगी। और अजम्पशन ये किया जाता है कि जीरो बेस्ड बजटिंग के तहत कि जो आपका प्रीवियस बजट था वो जीरो था, तो जो भी नया नया खर्चा आप होगा आप उसको रिकॉर्ड करोगे, उसको चॉकआउट करोगे, जस्टिफाई करोगे कि जो भी आपका खर्चा हुआ वो रीजनेबल चीजों में खर्चा हुआ है, तभी आपको सारा का सारा पैसा जो है आपको दिया जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे बात बोली गई है। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ जेबीबी के बारे में, जीरो बेस्ड बजटिंग का क्या एडवांटेज होता है ना। जीरो बेस्ड बजटिंग की डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, फिर ये लेक्चर जो हमारा खत्म हो जाएगा। तो एडवांटेजेस ऑफ जेबीबी क्या है,
क्या है, दिस सिस्टम इज डिसीजन ओरिएंटेड। तो जेबीबी हमारा जो सिस्टम होता है वो डिसीजन ओरिएंटेड होता है, इसमें डिसीजन लिए जाते हैं, है ना। तो ये डिसीजन ओरिएंटेड होता है, यहाँ पे पैसे बचाने की कोशिश नहीं की जाती, यहाँ पे डिसीजन लेने की कोशिश की जाती है कि जो भी प्रीवियसली डिसीजन लिए गए हैं वो सही थे या गलत थे, या अब जो हम डिसीजन लेंगे वो कैसा हम डिसीजन लेंगे। द टेक्निक इज रिलेटिवली इलास्टिक बिकॉज बजट्स आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर एज जीरो बेस, है ना। जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है, रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन हो रहे हैं, बिकॉज बजट जो है वो तकरीबन हर साल तैयार किए जाते हैं जीरो को बेस मान करके, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इलास्टिक है। नाउ इट रिड्यूसेस वेस्टेज, एलिमिनेट्स इनएफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज एवरी बजट प्रपोजल इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आफ्टर केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स एंड द वन व्हिच इज द बेस्ट अप्रूव्ड, है ना। तो इसी वाले पॉइंट में आपको पूरा का पूरा जो है सार जीरो बेस बजटिंग का पूरा बता दिया गया है। सबसे बड़ा बड़ा बात जो है यहाँ पे वो ये है कि ये वेस्टेज को रिड्यूस करता है, जो भी आपके बिना वजह के खर्चे हैं, जो वेस्टेज आपका होता है उसको ये रिड्यूस करता है, इनएफिशियंसियों को वो एलिमिनेट करता है, हटाता है, एंड जो ओवरऑल कॉस्ट प्रोडक्शन होता है उसको भी ये रिड्यूस करता है। अब ये कैसे कर पाता है, क्योंकि एवरी बजट प्रपोजल इज ऑन द बेसिस ऑफ, जो भी बजट प्रपोजल होगा वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के बेसिस पे होगा। जब आप किसी भी एग्जिस्टिंग प्लान का जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव है उसको चेक करने के बाद, उस चीज को अप्रूव करने के बाद, जो बेस्ट होता है उसको अप्रूव करने के बाद, जब आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के तहत अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल में लाते हो, जीरो बेस्ड बजटिंग करते हो, तो वहां पे आपका जो वेस्टेज है वो रिड्यूस हो जाता है, इनएफिशिएंसी घट जाती है, हट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और जो ओवरऑल कॉस्ट प्रोडक्शन है वो भी कमता है, वो भी रिड्यूस होता है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग का सबसे बड़ा फायदा जो है वो तीसरे नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है। नाउ द फोर्थ नंबर पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस, है ना। तो ये आपको एक तरीके से ग्रेटर पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी आप गोल पाना चाहते हो, जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हो, आप उसको अचीव कर सको। ये एक तरीके से आपके गोल को पाने की जो क्षमता होती है, जो आपके जो आप एफर्ट लगा रहे हो तो लगा रहे होते हो, उसको ये फैसिलिटेट करता है ना। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर गेम्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर। अब ये जब काम आप कर जब आप जीरो बेस्ड बजटिंग का काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो भी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है ना, जैसे कि प्राइसेस किसी चीज की बढ़ती जा रही है, ये उसको भी कंसिडर करता है। ऐसा नहीं कि वो उसको इग्नोर करके चला जाता है। जो कॉम्पिटिटर गेम्स खेले जाते हैं, एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए, अब सामान को ज्यादा बेचने के लिए वो जो है डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाता है, जो कंज्यूमर बिहेवियर है, इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए जीरो बेस्ड बजटिंग जो है काम करता है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है फॉर दोज जिनके लिए इन्फ्लेशन या कॉम्पिटिटर या कंज्यूमर बिहेवियर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कोई भी नई कंपनी को काम करने में, को तो खड़ा करने में काफी समय लगता है, और उनके लिए जीरो बेस्ड बजटिंग एक तरीके से बहुत ही अच्छी चीज होती है। नाउ सिक्स नंबर पॉइंट, इट वास्टली इंप्रूव्स फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन व्यू ऑफ इट्स रिवॉल्यूशनरी अप्रोच, है ना। तो ये एक तरीके से इम्प्रूव करता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि इसका जो अप्रोच है वो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही सही है ना। तो ये एक तरीके से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को ये इम्प्रूव करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ जेबीबी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ जेबीबी विच हैज सिक्स पॉइंट्स एज द एडवांटेजेस। तो यहाँ पे छह पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज पॉसिबल टू क्वांटिफाई एंड इवैल्यूएट बजट प्रपोजल इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल मैटर्स, बट कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल मैटर्स। यहाँ पे सिंपल सी एक बात बोली गई कि ये बहुत ही पॉसिबल है जब आप किसी चीज को क्वांटिफाई करते हो, जब आप किसी चीज को क्वांटिटी में लिखते हो, अमाउंट में लिखते हो, तो फिर उस चीज को इवैल्यूएट करना, उस चीज उस बजट को चेक कर पाना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। लेकिन कॉम्पिटिशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की बात करते हो, तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है जब आप नॉन फाइनेंशियल मैटर्स की बात कर रहे हो। जबकि जेबीबी एक तरीके से इसमें बहुत अच्छा नहीं है। जब भी आप नॉन फाइनेंशियल मैटर को एक तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के तहत उसको कंप्यूट करोगे या फिर इवेल्युएट करोगे, तो उस केस में जेबीबी उतना कारगर साबित नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज जेबीबी का है वो यही है। दूसरा पॉइंट है, द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग इज हाई, है ना। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जीरो बेस्ड बजटिंग का, उसका कॉस्ट जो है काफी ज्यादा हाई होता है। मतलब इसका नाम तो जीरो बेस्ड बजटिंग है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हो तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, यहाँ पे आपके खर्चे ज्यादा होते हैं, ठीक है ना।
इट मे बी डिफिकल्ट टू सर्च आउट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर द सेम एक्टिविटी। अब इसमें एक और प्रॉब्लम होती है कि आप किसी एक्टिविटी की जो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनको सर्च कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या कहा जाता है, जीरो बेस्ड बजटिंग में आप एक ही काम को करने के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ढूंढते हो ताकि किस तरीके से आप अपने पैसों को रिड्यूस कर सको। जेबीपी का मेन काम यही है ना। तो यहाँ पे जेबीपी के तहत ये डिफिकल्ट होता है चीजों को फाइंड आउट करना, वेरियस ऑल्टरनेटिव को फाइंड आउट करना फॉर द सेम एक्टिविटी, है ना। तो ये डिफिकल्ट काम है, बोलने को तो कह दिया गया कि भाई इनका काम यही है, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको, इस काम को करने में। देखो मैं कह रहा हूँ मुश्किल होता है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, थोड़ी सी मुश्किलात इनको आती है। सम डिसीजन पैकेजेस आर इंटर रिलेटेड विच मे बी डिफिकल्ट टू रैंक। अब बहुत सारे डिसीजन पैकेजेस जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनको रैंक कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग के तहत। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ जेबीपी। नाउ रैंकिंग द डिसीजन इज अ साइंटिफिक टेक्निक। किसी भी डिसीजन को रैंक करना, ठीक है ना, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, आप उसको 1 2 3 करके रैंक करते हो। तो ये जो रैंकिंग, जो आप रैंकिंग कर रहे हो, ये एक तरीके से साइंटिफिक टेक्निक है। एवरी मैनेजर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू हैव द नेसेसरी टेक्निकल एक्सपर्टीज इन दिस मैटर, है ना। तो हर एक मैनेजर से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो ये साइंटिफिक टेक्निक है वो उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि सबके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज इस मामले में नहीं होती है, वो बात यहाँ पे बताई जा रही है, राइट। Now, zero-based budgeting dismisses that the past is irrelevant and thereby challenges the fundamental theory of continuity. तो zero-based budgeting जो होता है वो dismiss कर देता है कि past में जो भी हुआ है वो सारी की सारी irrelevant है। वो बोलता है कि ये किसी काम की ही नहीं है। इसीलिए जो फंडामेंटल थ्योरी है किसी चीज को काम करने के लिए, जो आपकी एक सोच होती है किसी चीज को काम करने के लिए, वो आपकी बनती ही नहीं है, क्योंकि आपको तो शुरू में ही बोल दिया गया कि जो भी आपने पहले करा था वो सारी की सारी चीजें बेकार हैं, हम सब चीजों को डिसमिस करते हैं। तो आप जो उतने साल से काम करते आ रहे थे, किसी एक चीज को बेस समझ करके आप काम कर रहे थे ना, आपसे आपका बेस ही छीन लिया गया। तो जो फंडामेंटल थ्योरी होती है कॉन्टिन्यूटी की, वहां पे एक तरीके से आपको दिक्कत होती है जब भी आप जीरो बेस्ड बजटिंग की बात करते हो, क्योंकि वहां पे पास्ट को एकदम ही इररिलेवेंट, नल वॉइड बना दिया जाता है, राइट। बजटिंग इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड फॉरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर एंड इज बेस्ड ऑन पास्ट हैपनिंग। और बजटिंग जो होती है भाई, वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है जहां पे आप एस्टिमेट और फॉरकास्ट करते हो आने वाले फ्यूचर को, आपके पास्ट हैपनिंग्स को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में ऐसा नहीं होता, आप पास्ट को एकदम ही इररिलेवेंट बोल देते हो और फ्रेश तरीके से चीजों को करते हो, तो यहाँ पे काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ जेबीपी। सो दिस इज ऑल अबाउट जेबीपी। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने आपको जेबीपी और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में सारी जानकारी दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो एग्जामिनेशन में। और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।